नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन लक्ष्मी ज्योतिष में। मित्रों, देखने में तो ये एक छोटी सी वस्तु दिखाई दे रही है, परंतु बड़ी कारगर है ये। इसे कहते हैं सुपारी, और सुपारी को ज्यादातर हम पूजा पाठ में यूज करते हैं। हर पूजा में इसे यूज किया जाता है, क्योंकि इसे बड़ा ही शुद्ध माना जाता है, शुद्ध फल है ये। और इसके बहुत से प्रयोग हैं, परंतु आज मैं आपको नजर दोष के लिए इसका एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। जिन जातकों को या जिन बच्चों को नजर बहुत ज्यादा लगती है, नजर दोष के लिए इसका एक रामबाण उपाय है। एक ऐसी ही सुपारी ले लें, जिस भी बच्चे पर नजर लगी हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, या कुछ खा पी ना रहा हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो एक सुपारी लें। इसको इस तरह से उल्टा 9 बार घुमाना है बच्चे के ऊपर से, सर से घुमा करके आपके आसपास कोई भी कोई बड़ा मंदिर हो जिसमें हवन कुंड हो, हवन कुंड में जाकर के आप इस सुपारी को, जहाँ पर हवन कुंड का जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पर आप इसे रख देना है इसको, और इस पर एक आप तिलक करना चाहें तो तिलक भी कर सकते हैं। उसकी जो हवन कुंड की जो राख होती है, उसका तिलक करते हैं, और बच्चे का नाम लेकर के वहाँ रख दें कि आज के बाद जो भी नज़र है यहीं रह जाए। बस ये उपाय आपने करना है। इस उपाय को शनिवार के दिन किया जा सकता है, मंगलवार के दिन किया जा सकता है, और विशेष परिस्थिति में किसी भी दिन किया जा सकता है। इस उपाय को करते समय अपना नाम, जिसका आपने नज़र उतारनी है उसका नाम, पिता का नाम और उनका गोत्र का उच्चारण करना है। फिर आपने इसे एंटी क्लॉक माना, बस इसका ध्यान रखें। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत अजमाया हुआ है, करके देखें। फिर आपको जो भी अगर कोई परेशानी अधिक आती है तो आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर के आप हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क कर लें, हम आपकी कुंडली भी देख करके बता पाएंगे। धन्यवाद। जय माता दी।